नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है यशवंत चिंसन और आप देख रहे हैं लिव विथ लिव चैनल को तो चलो फ्रेंड्स आज हम एक नए टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं और वो है एग्जूमेशन के बारे में एग्जुमेशन ये क्या होता है ये आता है फॉरेंसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट में एग्जुमेशन क्यों किया जाता है ये किया जाता है जो बॉडी है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और उसके डेथ का कॉज क्या है वो देखने के लिए सो तो फ्रेंड्स एग्जुमेशन एग्जुमेशन इज डिफाइंड एज द लॉफुल डिस इंटरमेंट और डिगिंग आउट ऑफ बरीड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव मतलब जो बॉडी है वो अगर बरीड की गई है तो उसको बाहर निकालते हैं बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन और उसका डेथ कैसा है उसका कॉज क्या है वो जानने के लिए तो इसका प्रोसीजर क्या है हमको जनरल प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं देन सेकेंड हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रेव लेना पड़ता है और कलेक्शन ऑफ अर्थ सैम्पल करना पड़ता है देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉफिन कॉफिन आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और कलेक्शन ऑफ द सैंपल देन फोर्थ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी विविंग बाय मैजिस्ट्रेट एंड द कोरूनर और फिफ्थ में एट्सी इफ नेसेसरी सो जनरल प्रिकॉशन में हमको क्या करना है जनरल प्रिकॉशन में हमको एग्जुमिशन कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर और ऑफिसर जब हम कोई बरेड बॉडी निकाल रहे हैं तो उस समय हम वहाँ मेडिकल ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर वह रहना चाहिए देन पोलिस ऑफिसर प्रोवाइड विटनेस टू आइडेंटिफाई ग्रेव कॉफिन एंड डेड बॉडी पोलिस ऑफिसर हमको विटनेस देते हैं टू आइडेंटिफाई ग्रेव कॉफिन एंड डेड बॉडी एंड इट कैरी आउट इन द अर्ली मॉर्निंग सो दैट होल प्रोसेस ऑफ डिगिंग एंड एटोपसी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द डे और ये सब करते समय हमको हैंडमेड ग्लोवस पहनना है मास्क पहनना है देन सेकेंड आइडेंटिफिकेशन एंड ओपनिंग द ग्रेव ग्रेव इज फॉर्मली आइडेंटिफाइड बाई वार्डन ऑफ सीमेट्री मतलब जहाँ उस बॉडी को बरीड किया गया है उसका जो वार्डन है वो उस ग्रेव को आइडेंटिफाई करेगा देन एग्जैक्ट friends फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुआ प्रेजेंट एट दैट टाइम मतलब उसके कुछ फ्रेंड्स है उसके रिलेटिव्स है अगर बरीड करते समय वो वहाँ प्रेजेंट थे तो वो उस साइड को एग्जैक्ट मतलब आइडेंटिफाई करेंगे और स्क्रीन इरेक्टेड अराउंड द ग्राउंड टू अवॉर्ड द डैमेज टू कॉफी एंड कंटेंट बिना डैमेज किए हुए हमको वो सब करना है देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केस ऑफ पॉइजनिंग अगर पॉइजनिंग की केस है तो अर्थ सैंपल गेट फ्रॉम अबव बिलो एंड साइड ऑफ द कॉफिन अगर पॉइजनिंग की केस है तो हम जो कॉफिन है उसके ऊपर का नीचे का और साइड का सैंपल हमको लेना पड़ता है देन अगर ई कलेक्टेड इन क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल फॉर केमिकल एनालिसिस एक ग्लास बॉटल में लिया जाता है ड्राई क्लीन बॉटल में फॉर केमिकल एनालिसिस एंड इफ ग्रेव वाटर लॉग्ड वाटर सैंपल शुड बी गिवन अगर ग्रेव के पास अगर वाटर है अगर ग्रेव वाटर लॉग्ड है तो हम वाटर के सैंपल भी हमको लेना जरूरी होता है देन सेकेंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉफिन कॉफिन टॉप शुड बी क्लीन एंड प्लेट एक्सपोज जो कॉफिन का टॉप है वो हमको क्लीन करना है और वो जो प्लेट है वो एक्सपोज कर देना है आइडेंटिफाइड बाई ओरिजिनल अंडरटेकन हु मेड इट और फोटोग्राफ इट इज़ ऑफ वैल्यू मतलब यह आइडेंटिफाई कौन करता है कॉफी जिसने बनाया है ओके okay. और फोटोग्राफ की भी एक बड़ी वैल्यू होती है देन लीड लिफ्टेड टू ऑला स्केप ऑफ गैस जो लीड रहता है वो लिफ्ट किया जाता है क्योंकि जो गंदाई बदबू आती है वो निकाल देने के लिए देन टू अवॉइड इनहेलिंग ऑफेंसि गैसेस और स्टैंड वन विंड वॉट साइड मतलब जिस तरफ हवा जा रही है उस तरफ हमको खड़ा नहीं रहना है उसके अपोजिट साइड में हमको स्टैंड करना है देन थर्ड फोर्थ पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी उसमें एनी पर्सन हु वॉज प्रेजेंट वेन द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन कॉफिन एनी पर्सन हु वॉज प्रेजेंट वेन द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन कॉफिन मतलब जो भी बंदा उस टाइम पे प्रेजेंट था वो बॉडी कॉफिन में रखी गई थी वो उस बॉडी को आइडेंटिफाई करेगा और मैजिस्ट्रेट एंड कोरोनर व्यूज द बॉडी एंड ऑर्डर रिबरियल और एटॉपसी इफ नेसेसरी जो मैजिस्ट्रेट कोरोनर रहेंगे वो उस बॉडी को देखेंगे उसका एग्जामिनेशन देखेंगे और बोलेंगे इसके एटॉपसी करना है क्या उसको रिबरियल करना है मतलब वापस हमको उसको बरीड कर देना है सो एटॉप्सी एटॉप्सी स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द ग्लोव वन आर इन परफेक्ट कंडीशन ग्लोव हमको अच्छे से पहनना है और एटोप्सी करना है Before leaving the place, medical officer should make sure that he has taken all specimens that may required for लैदर examination, as it is without be possible to re-examine the remain. मतलब जो मेडिकल ऑफिसर रहता है वो कंफर्म करता है कि कुछ रहेगा क्या कुछ सैंपल वहाँ है क्या कुछ मिस तो नहीं हुआ उसको देखना पड़ता है क्योंकि वापस से हम उस बॉडी को री नहीं कर सकते और उसको हम वापस बर्ड की हुए बाडी को निकाल नहीं सकते हैं तो फ्रेंड्स दिस इज़ अबाउट द एग्जूमेशन ये भी क्वेश्चन हमको पाँच मार्क के लिए पूछा जाता है देन टू मार्क्स के लिए इसके प्रोसीजर हमको पूछे जा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना है सब्सक्राइब करना है साथ ही साथ अगर आप नए इस चैनल पर नए हो तो हमको बेल आइकन पर दबाना है और साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट है वो आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं तो चलो फ्रेंड्स थैंक यू